मैं श्रीराम नाईक सहायक आचार्य राजकीय महाविद्यालय श्री डूंगरगढ़ बीकानेर। आज हम बात करेंगे इल्तुतमिश के सांस्कृतिक योगदान के बारे में। हम लोग जानते हैं कि इल्तुतमिश जो हैं, जिनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, और कल के वीडियो में हमने ये बात की थी कि इल्तुतमिश जो थे, उन्होंने भारत में किस प्रकार से सल्तनत का प्रचार प्रसार किया, किस प्रकार से सल्तनत की प्रशासनिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान किया। आज हम इल्तुतमिश का जो दिल्ली सल्तनत के सांस्कृतिक क्षेत्र में जो योगदान है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इल्तुतमिश के द्वारा जो भी निर्माण कार्य भारत में किया गया, तो इसकी जो शैली है, इसको ममलूक शैली कहा जाता है। और सल्तनत के दौर में 1206 से लेकर के 1290 तक जितने भी निर्माण हुए, इन सभी के निर्माण की जो शैली है, उसे ममलूक शैली कहा जाता है। और ये जो टाइम है, इस टाइम को गुलाम वंश का समय भी कहा जाता है। और गुलाम वंश का एक जो नाम है, वो हमें ममलूक भी मिलता है, और इसी कारण इनके स्थापत्य की जो शैली है, इसको ममलूक शैली कहा गया। और ज़्यादातर जो गुलाम वंश का स्थापत्य है, ये एक प्रकार से जो हिंदू इमारतें थी, उन्हीं को तोड़ मरोड़ करके उनका निर्माण किया गया था। तो एक प्रकार से ये हिंदू संरचनाओं को परिवर्तित करके अपने स्थापत्य को इन्होंने आकार दिया था। अब इल्तुतमिश के स्थापत्य की हम बात करें, तो इल्तुतमिश का जो प्रारंभिक स्थापत्य है, वो सुल्तानगढ़ी या जिसे नासिरुद्दीन का मकबरा कहा जाता है। नासिरुद्दीन इल्तुतमिश का सबसे बड़ा और योग्य लड़का था, जिसके बारे में हमने कल बात की थी कि 1230 में जब ये हिसामुद्दीन आवाज के विरुद्ध बंगाल में इसने अभियान किया था, तो उसी दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसी की याद में इल्तुतमिश ने मलकपुरा स्थान है दिल्ली में, वहाँ इसने एक मकबरे का निर्माण करवाया। और ये जो मकबरा है, इसे भारत में पहला मकबरा माना जाता है, और पहले मकबरे के कारण ही इल्तुतमिश को मकबरा शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है। इसके अलावा इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार, जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा डाली गई, और इसका जो निर्माण है ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में किया। तो ये जो कुतुब मीनार था, इसकी नींव तो डाली गई ऐबक के द्वारा, लेकिन इसे पूरा जो है वो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। हालांकि आगे चल करके कुतुब मीनार के निर्माण से फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी जैसे जो सल्तनत के सुल्तान थे, उनका योगदान भी है। और वर्तमान में कुतुब मीनार जो है, इसको यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार से इल्तुतमिश ने नागौर में अताब किन का दरवाज़ा बनाया, जिसे सिंह द्वार के नाम से भी जाना जाता है। और अतारकिन का जो दरवाज़ा है, ये हमीदुद्दीन नागौरी जो एक सूफी संत थे, इनकी याद में ये बनवाया गया। और हमीदुद्दीन नागौरी की जो उपाधि थी, वो थी सुल्तान उत तारकिन। तो सुल्तान उत तारकिन उनकी उपाधि होने के कारण इसे अतारकिन का दरवाज़ा कहा जाता है। इसी प्रकार से इल्तुतमिश ने शिक्षा के क्षेत्र में भी दो मदरसों का निर्माण करवाया दिल्ली में। एक मदरसा है मदरसाए मुईजी, और दूसरा है मदरसाए नासिरिया। मदरसाए मुईजी जो है, वो मोहम्मद गोरी की स्मृति में, तथा जो मदरसाए नासिरिया है, वो नासिरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनाया गया था। अब जो इल्तुतमिश है, हमने कल ये बात की कि जूद की लड़ाई लड़ने के लिए इल्तुतमिश बदायूं से आया था, और इसे बदायूं की जो जागीर है, वो दी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा।
तो जब ये बदायूं में था तो बदायूं में रहते हुए इसने वहाँ एक जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद जहाँ जुम्मे अर्थात शुक्रवार की जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उसे जामा मस्जिद कहा जाता है। और भारत में कई प्रकार की जामा मस्जिद है, जैसे दिल्ली में है, लाहौर में है, आगरा में है। तो एक जामा मस्जिद का जो निर्माण है बदायूं में किया गया इल्तुतमिश के द्वारा। इसी प्रकार से बदायूं में ही इसने हौज शमसी का निर्माण करवाया। हौज शमसी इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इल्तुतमिश का जो पूरा नाम है वो में मिलता है शमसुद्दीन इल्तुतमिश। तो शमसुद्दीन जो नाम है इसी से ये शब्द बना है आपके शमसी। और इल्तुतमिश को दिल्ली का संगठनकर्ता भी कहा जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि इल्तुतमिश के समय जो दिल्ली है उसे हजरत दिल्ली या विद्वानों की दिल्ली कहा गया, क्योंकि इल्तुतमिश के समय में ही दिल्ली बहुत सारे जो विद्वान हैं वो न केवल भारत के विद्वानों ने दिल्ली दरबार में आश्रय प्राप्त किया बल्कि भारत से बाहर के जो विद्वान थे वो भी दिल्ली में इस समय आते हैं। इस कारण दिल्ली को हजरत दिल्ली या विद्वानों की दिल्ली कहा गया। इल्तुतमिश के दरबार में कई विद्वान संरक्षण पाते थे, लेकिन उनमें प्रमुख जो थे वो थे ताजुद्दीन और मिनहाज उस सिराज। और मिनहाज उस सिराज जो थे उनकी प्रमुख रचना है तबकाते नासिरी। और सिराज जो थे वो मूलतः अफगानिस्तान के थे। इल्तुतमिश ने इनको संरक्षण दिया और इनकी जो रचना है उसमें पैगंबर महमूद से लेकर के नासिरुद्दीन के समय तक का इतिहास हमें मिलता है, अर्थात 1260 तक का जो वर्णन है वो हमें तबकाते नासिरी में मिलता है। इसी प्रकार से इल्तुतमिश ने भारत में जो उसमें सिक्के चल रहे थे उन सिक्कों को नियमित करने में भी योगदान दिया। और इल्तुतमिश के द्वारा शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए और इल्तुतमिश के द्वारा ही सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा को शुरू करवाया गया, ताकि जो सिक्के हैं किस टकसाल से आ रहे हैं इसकी जानकारी सहज ही प्राप्त की जा सके। और इल्तुतमिश ने दो प्रकार के सिक्के चलाए। एक इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया जिसे टका कहा जाता है, और एक इन्होंने तांबे का सिक्का चलाया जिसे जीतल कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में अपना सांस्कृतिक योगदान दिया था।